Jai Sri Swaminarayan. Good morning, students. How are you? Fine. Today we will learn chapter number 5, Annu Mahatva. ये चैप्टर हमने समझ लिया था, उसके एक्सरसाइज में प्रश्नों ना जवाब और खाली जगह, ये दोनों हो गए थे. अपने क्वेश्चन आंसर है वो नोटबुक में भी लिख लिए थे. अब एक्सरसाइज नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे. समानार्थी शब्द लखो, उसमें सबसे पहला है पालन. तो क्या आएगा समानार्थी शब्द, मतलब उसके जैसा ही दूसरा शब्द, तो पालन, तो उसको दूसरा कहते हैं पाड़वू. वर्ष तो शाल, होशियार तो चप्पड़, अने बुद्धिशाली, ये दोनों कहते हैं उसको चप्पड़ बुद्धिशाली. नाना ले नानकड़ा. उसके बाद है फोर्थ एक्सरसाइज, विरोधी अर्थवाड़ा शब्दों, मीन्स आप जो इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड करते हो वो, मतलब उससे उल्टा शब्द. ओके, तो फर्स्ट है छोकरो, तो क्या आएगा, हाँ छोकरी. मम्मी तो क्या आएगा, हाँ पप्पा. दिवस तो क्या आएगा, रात. बराबर. वधारे तो ओचू. नुकसान तो क्या आएगा, नफो. बाहर तो अंदर. ओके, इस तरह से उसके ऑपोजिट वर्ड, उससे उल्टे शब्द हमने यहाँ लिखे. उसके बाद 5 नंबर की एक्सरसाइज है जोड़ाक्षर वाँचो अने लखो, मतलब यहाँ जो भी लिखे है वो जोड़ाक्षर है, मतलब आधा शब्द और पूरा शब्द जॉइंट करके एक शब्द बना है, वो यहाँ पे शब्द है. ठीक है, तो आपको वो रीड करना है और सामने अच्छी राइटिंग करके वो ही लिखना है. सबसे पहला है पश्चाताप, उसके बाद सेकंड है महत्व, फिर है चिन्मय, और उसके बाद है समझाव्यू. ठीक है, पश्चाताप में च और त दोनों साथ में मिलकर, यहाँ त आधा है और व साथ में मिला है, यहाँ न चिन्मय में न आधा है. समझाव्यू उसमें व और य दोनों जॉइंट है और व आधा है. ठीक है, अब उसके बाद है 6 नंबर की एक्सरसाइज है नीचे आपेला शब्दों वाक्य में प्रयोग करो. यहाँ पे एक शब्द है, उस ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें वो शब्द आता हो और उसका मीनिंग भी निकलता हो, मतलब मीनिंगफुल वाक्य बनाना है. सबसे पहला है नुकसान, तो यहाँ पे मैं वाक्य बना रही हूँ क्यारेक आपने घणों नुकसान थाय छे, तो ये नुकसान है इस वाक्य में आया और इसका मीनिंग भी निकलता है. ठीक है, तो उसी तरह से आपको दूसरा अगर बनाना है तो आप बना सकते हो, पर उस वाक्य में ये शब्द है वो आना चाहिए और उसका मीनिंग भी कुछ निकलना चाहिए. सेकंड है होशियार, तो चिन्मय होशियार छोकरो हतो. थर्ड है महत्व, तो चिन्मय ने अनुनु महत्व समझायूं. एंड फोर्थ है पश्चाताप, तो चिन्मय ने पश्चाताप थयो. ओके, तो ये सब आपको अच्छी राइटिंग करके आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है. आज का वर्क है एक्सरसाइज नंबर 2, 3 एंड 4. ये तीनों एक्सरसाइजें आपको नोटबुक में अच्छी राइटिंग करके लिखनी है. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.